प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक हुई और इस बैठक में दो महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। जैसे आपको विदित है कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 खत्म होने के बाद भारत के अनेक जनकल्याण के कानून वहाँ लागू होना शुरू हो गया। पिछले सप्ताह में ही 16 तारीख को त्रिस्तरीय पंचायत समिति का जो कानून यहाँ है भारत में, पूरा देश में है, वो जम्मू कश्मीर को भी लागू हो गया। यही तो कश्मीर पर अन्याय था कि जनकल्याण के अनेक कानून भारत में होकर भी भारत के कानून लागू नहीं होते थे। आज उस निर्णय पर मुहर लगी और अब जिला विकास परिषद के सीधे चुनाव होकर जनप्रतिनिधियों के हाथ में सत्ता आएगी। जिला पंचायत कहो, जिला विकास परिषद कहो, वहाँ ग्राम पंचायत को हल्का पंचायत कहते हैं, तो ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत और अब जिला पंचायत, ऐसी पूरी त्रिस्तरीय रचना जो पंचायत राज के कानून में निहित है वो अब कश्मीर में भी लागू होगी। और जम्मू कश्मीर में अपने जिले के विकास की योजना बनाना, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग करना, उस पर अमल करना, उसके लिए आर्थिक सत्ता भी उनको मिलेगी। अभी चुनाव की प्रक्रिया जल्दी शुरू होगी और लोग चुनाव से अपने प्रतिनिधि चुनेंगे। प्रधानमंत्री ने कश्मीर में और गृहमंत्री जी ने संसद में यह वादा किया था कि त्रिस्तरीय पंचायत समिति की रचना हम लागू करेंगे, वो आज के इस निर्णय से पूरी हो गई है। इससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया मजबूत होगी, इससे लोगों के हाथ में सत्ता आएगी। कश्मीर का एक दुख था कि सत्ता लोगों के पास नहीं, चंद लोगों के पास थी, अब वो आम जनता के पास आ गई है। ये बड़ा बदलाव है और इसका बहुत स्वागत पूरी कश्मीर घाटी और जम्मू दोनों इलाकों में बहुत अच्छा स्वागत होगा। दूसरा निर्णय में विजयादशमी या दुर्गा पूजा के पहले ही तुरंत 30 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 3737 करोड़ रुपीस का बोनस का भुगतान तुरंत शुरू होगा। बोनस मिलेगा 30 लाख कर्मचारियों को, जो नॉन गैजेटेड है उनको मिलेगा। आपको पता है उसमें जो कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स होते हैं, जैसे रेलवे है, पोस्ट ऑफिस है, रक्षा उत्पादन है, ईपीएफओ है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन है, ऐसे जो कर्मचारी नॉन गैजेटेड है, ऐसे 17 लाख कर्मचारियों को 2791 करोड़ इतना बोनस मिलेगा। और केंद्र सरकार के जो सरकार में काम करने वाले, ये तो कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट हो गए, जो सरकार में काम करते हैं ऐसे 13 लाख कर्मचारियों को
नॉन प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस मिलेगा और उन्हें भी 906 करोड़ रुपीस बोनस के उपलक्ष्य में मिलेंगे। यानी इस सप्ताह में 30 लाख कर्मचारियों के हाथ में 3737 करोड़ रुपीस और मिलेंगे। बाजार में मांग बढ़ेगी और फेस्टिवल के सीजन में मध्यम वर्ग के हाथ में पैसा आएगा, तो ये एक महत्वपूर्ण निर्णय है, आज हुआ है और इसलिए मैंने जानकारी दी। टुडे कैबिनेट विच मेट अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टुक टू इम्पॉर्टेंट डिसीजंस, वन रिगार्डिंग कश्मीर, द थ्री टायर पंचायत सिस्टम इज नाउ ऑपरेटिव इन कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर, विच वॉज नॉट इन द प्री 370 पीरियड। द कंट्री पीपल ऑफ द कंट्री एल्सवेयर वेर एंजॉइंग द राइट टू इलेक्ट लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स, बट इन जम्मू कश्मीर दैट वॉज नॉट हैपनिंग। सो नाउ वी हैव थ्री टायर सिस्टम इन जम्मू कश्मीर ऑल्सो, लाइक ग्राम पंचायत, ब्लॉक डेवलपमेंट एंड एट द सेम टाइम डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल। दिस वॉज प्रोमिस बाय प्राइम मिनिस्टर इन कश्मीर एंड दिस वॉज प्रोमिस बाय होम मिनिस्टर इन पार्लियामेंट। नाउ दैट स्टैंड्स रिडीम। नाउ देर विल बी अर्ली इलेक्शंस एंड द पावर to manage local bodies will go to the people. They will elect their representatives and those representatives will plan the development of the district and implement the various welfare measures and programs. So this is one major decision which will be welcomed by all sections of Jammu Kashmir province. In a second decision, central government has decided to disburse immediately bonus to over 3 million central government employees and employees of commercial establishments like railways, post, defense production, belonging to EPFO and ESIS arrangement. Such 17 lakh non-gazetted employees will get 2,791 crore as a productivity linked bonus. And non-gazetted employees, 13 lakh employees in central government services, they will get 906 crore rupees in bonus. Thus, this week, 30 lakh employees will get 3,737 crore rupees in their pockets on the eve of festivals. That will also boost demand, and this was one major concern of middle class, and that has been made by the Union Cabinet today. Thus, these are the two decisions. If you have any questions, please. Bonus एक ही किस्त में दिया जाएगा, तुरंत दिया जाएगा। Next 1 week के पहले distribution पूरा होगा। DBT से जाएगा, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से जाएगा। 14 आपने कहा विजयादशमी से पहले हो जाएगा ये? जी,
जो लॉ यहाँ है वही लॉ वहाँ जारी हो गया है और इलेक्शन प्रोसेस होगा। तो मेरा ये पूछना है कि जो यूनिवर्सिटी लॉ और अदर लॉ है वो भी वहाँ पर ऑर्डिनेंस जारी हो गए हैं कि नहीं? उसके बारे में भी बहुत सारा काम हुआ है और जम्मू कश्मीर प्रशासन उसके बारे में घोषणा करेगा। उसका होमवर्क बहुत होता है लेकिन प्रिंसिपल इज ऑलरेडी एक्सेप्टेड। ऐसा है, प्रदूषण एक वास्तविक समस्या है और उसको निरंतर लड़ाई करनी पड़ेगी और इसलिए केंद्र सरकार ने सैकड़ों कदम उठाए हैं और सभी 5 राज्य जो संबंधित है उनके सहयोग से हम पोल्यूशन को मात देने का कार्यक्रम कर रहे हैं और उसका परिणाम भी दिख रहा है। लेकिन फिर भी कुछ दिन प्रदूषण की समस्या को सामना करना पड़ता है। पहले 250 डेज करना पड़ता था, अब 180 डेज 6 महीने ऐसा ही है। बहुत धन्यवाद सर। वी हैव क्वेश्चन 25 फॉर दिस। इसी से संबंधित एक क्वेश्चन है, दिल्ली सरकार चीफ मिनिस्टर ने अपील की है कि सारी पर रख के सारी पार्टियों को एक होके पॉल्यूशन की लड़ाई लड़नी चाहिए, तो इस पे आपका क्या रिएक्शन है? क्या यही मैं उनसे कहता था। थैंक यू सर, धन्यवाद सर।